यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक रिसर्चर को कितनी बाउंटी मिली है सिर्फ गिटहब डॉर्किंग से। तो हम भी सीखेंगे आज गिटहब डॉर्किंग, लेकिन ऐसा नहीं है कि पहली बार में ही हमें सब कुछ मिल जाएगा। जैसे मैं दिखा देता हूँ, उसमें कोई छिपाने वाली बात नहीं है। मैंने अभी कुछ समय पहले एक बग रिपोर्ट किया था, गिटहब डॉर्किंग से रिलेटेड था, कि उनकी रेपो में इंटरनल मतलब एम्प्लाइज की ईमेल और पासवर्ड लीक हो रहे थे। तो उन्होंने बताया कि हाँ, ईमेल जो है वो तो रियल हैं, लेकिन पासवर्ड जो है वो डमी है। लेकिन फिर भी वो इस रिपोर्ट से खुश थे, क्योंकि साफ सीधी बात है कि एम्प्लॉयज़ की ईमेल लीक हो रही थी तो फिशिंग वगैरह हो सकता था। तो ये भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, तो मैंने आपको बता दिया। तो चलिए सीधा गिटहब पर चलते। तो मान लेते हैं आप किसी डोमेन पे, किसी कंपनी पे हंट कर रहे हो, तो आपके पास एक डोमेन होगा जैसे कि facebook.com, आप सिंपल डाल दोगे। तो अब यहाँ पे देख सकते हो कितने सारे रिजल्ट हैं, मिलियंस में रिजल्ट हैं, 15.4 मिलियन। तो अब इस सर्च बॉक्स के लिए आपको दो चीज़ें बहुत ध्यान रखनी है। देखो, पहली चीज़ होती है कीवर्ड और दूसरी चीज़ होती है फिल्टर। दोनों की बात हम करेंगे। सबसे पहले आते हैं कीवर्ड पे। कीवर्ड जैसे ऐसे कौन से शब्द हैं जिनमें हम इंटरेस्टेड हैं। जैसे कि हम इंटरेस्टेड हैं पासवर्ड में, कहीं भी हमें पासवर्ड दिखा मिल जाए कोड में। तो यहाँ पे अभी भी 1.4 मिलियन अभी भी बहुत सारे रिजल्ट हैं। इसको भी हम फिल्टर करेंगे आगे कैसे, अभी देखते हैं। तो देख सकते हो facebook.com तो लिखा ही होगा, क्योंकि डबल कोट में, इसलिए दोनों चीज़ें आपको मिलेंगी। ऐसी रेपो जिनमें दोनों चीज़ें अवेलेबल हैं वो आपको मिलेंगी। तो अभी भी आप देख सकते हैं हमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, देख सकते हैं। तो अब आपको थोड़ा यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है, अब सीखना क्या है कि अब देखो डेटा किन किन फॉर्म में स्टोर हो सकता है वो आपको देखना है। तो सबसे मशहूर फॉर्म है जेसन फॉर्म। जेसन फॉर्म क्या होती है, की वैल्यू पेयर में डेटा स्टोर होता है, जैसे कि नेम। या आपने अगर कभी बग हंटिंग करी हो, तो जब आप अपनी प्रोफाइल वगैरह अपडेट करते हैं तो किन्हीं किन्हीं जगह पर होता है। तो यहाँ पर हम नाम डाल देते हैं और की वैल्यू पेयर में इस तरीके से ही तो होता है, आपने देखा होगा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इस कीवर्ड को देखना है। देखो कॉलन का यहाँ पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, किस तरीके से अभी देखना। रिजल्ट यहाँ पे 1.4 मिलियन है, मैंने जैसे ही कॉलन लगाया, अब देखो रिजल्ट यहाँ पे कितने रह गए, 23,000 बस। और देखो हमें कितने अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं, पासवर्ड और आगे इसकी वैल्यू। तो अब हमें की वैल्यू पेयर में रिजल्ट सब मिल रहे हैं, ये की है, ये उसकी वैल्यू है। तो जहाँ जहाँ भी की वैल्यू होगी वो हमें रिजल्ट मिल जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छा कीवर्ड है कि कॉल लगाना अच्छी बात है, वरना आपको रिजल्ट बहुत सारे मिलेंगे और आप कब तक ढूंढेंगे। तो ये देख सकते हैं, ये कुछ एनकोडिंग, पता नहीं टोकन क्या क्या लिख रखा है। अब फिल्टर, अब देखो ये आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से चेक करते हैं कौन से वैलिड हैं कौन से इनवैलिड हैं। अब इसके बाद एक और जो सबसे अच्छी डॉर्क है वो सॉरी कीवर्ड है AWS सीक्रेट एक्सेस की। तो इससे कभी कभी क्या होता है कि AWS की एक्सेस की मिल जाती है कंपनी की, उसे एक्सप्लॉइट करना काफ़ी इजी होता है। तो यहाँ पे देख सकते हो ये कि हमें मिल चुका है एक्सेस की। अब अभी मैं ये नहीं दिखा रहा हूँ कि इसे एक्सप्लॉइट कैसे करेंगे, मैं सिर्फ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजर के लिए ही दिखा रहा हूँ। हम थोड़ी एक दो और देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको पूरी लिस्ट ही दे दूँगा। ठीक है, कुछ मेन की API की, कॉल इन लगाना ना भूलें। और देखो अपने ये देखो API की मिल गई, अपनी तरफ से ट्राई करते रहो, कॉल इन की जगह एक इक्वल टू लगा के देखो, है ना। आपको मतलब एक सीमित नहीं रहना, मैंने जो बता दिया वहीं तक आप सीमित रहे, आपको हेरा फेरी करते रहेंगे। तो यहाँ पे भी API की किधर है, ठीक है, रिजल्ट आपको आपके ऊपर है किस तरीके से आप चेक करें कि वैलिड है या फिर नहीं।
वरना डायरेक्ट रिपोर्ट कर देंगे, कंपनी वाले बता ही देंगे कि इनवैलिड है। अब तो यहाँ पे यही थे। हाँ, एक और मेन, ये भी काफ़ी काम आती है, जिससे हमें डेटाबेस क्रेडेंशियल्स मिल जाते हैं कभी कभार। DB पास, DB यूज़र नेम, ये आप करके देख सकते हैं यहाँ पे DB यूज़र नेम। एक और क्लाइंट सीक्रेट, ठीक है, क्लाइंट सीक्रेट ये रहा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको देखना है। अब मैं ऐसे बताना बैठूँ तो काफ़ी सारे हैं, जैसे कि JWT टोकन, ऑथराइजेशन बियरर, ठीक है, ये रहा, देख सकते हो, ये रहा JWT टोकन ऑथराइजेशन बियरर। अब आपको देखना है, ठीक है, वो मैं पूरी लिस्ट दे दूंगा, उसकी चिंता मत करना। अब ये तो हो गई हमारी कीवर्ड की बात। अब देखना, सबसे अच्छी चीज़ आती है फिल्टर, इससे आपको पक्का कोई ना कोई चीज़ बहुत बढ़िया मिल जाएगी, ख़तरनाक। फिल्टर में हमारे पास कुछ फ़िल्टर्स हैं, जैसे कि मैं लिखूँ, पहला फ़िल्टर है ऑर्गेनाइजेशन, दो तीन ही बताऊँगा, वही काम आ जाएंगे, फेसबुक। तो आप देख सकते हो ये नीले में हो गया, यानी कि हमें वही रिपोजिटरी दिखाओ जो फेसबुक को बिलोंग करती है, फेसबुक ऑर्गेनाइजेशन को, और हम इंटरेस्टेड हैं इस कीवर्ड में। तो हमने फ़िल्टर और कीवर्ड दोनों को मिला दिया। तो देख सकते हैं ये फेसबुक के द्वारा बनाई गई है रेपो, ठीक है। हो सकता है कभी, अभी तो नहीं, फ्यूचर में हो सकता है डेवलपर गलती से कुछ पुट कर दे रेपो में और भूल जाए उसे प्राइवेट करना, तो आप इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। आपकी बाउंटी $10,000 से भी ऊपर पहुंच सकती है, ऊपर वाले ने चाह तो, ठीक है। अब हम एक और फिल्टर की बात करने जा रहे हैं, जैसे हाँ, एक और फिल्टर है लैंग्वेज, लैंग्वेज की स्पेलिंग क्या होती है, लैंग्वेज पाइथन, हाँ ठीक। तो फेसबुक ऑर्गेनाइजेशन से हमें वही वही रिजल्ट दो जहाँ पे लैंग्वेज जो पाइथन हो, मतलब पाइथन में कोड लिखा गया हो, सिंपल सी बात ही है, जैसे पाई .py फाइल ये रही, है ना। तो और बाकी आपको स्क्रिप्ट की डी नहीं बनना है यहाँ पे, अपने हिसाब से फ़िल्टर लगाते रहना है ना, अपने हिसाब से फ़िल्टर लगाते रहना। वो सॉरी, ये तो कीवर्ड हो गया, फ़िल्टर में ये नीला हो जाएगा। अब देखो, एक बहुत ही बढ़िया फ़िल्टर बता रहा हूँ आपको, इससे आपको बड़ा फ़ायदा होगा। इसे पाथ मैंने लिखा है, पाथ *env, अभी घबराना मत ये क्या लिख दिए, अभी बताता हूँ। तो पाथ का मतलब क्या होता है, ये आप समझ लें URL, देखो अभी दिखाता हूँ। तो मुझे ऐसा रिजल्ट दो, पाथ लगा दी मतलब फ़िल्टर, जहाँ पर .env तो लास्ट में हुई हो, ये .env लास्ट में है, और स्टार लगा दी यानी कि आगे कुछ भी हो, वाइल्ड कार्ड, स्टार का मतलब होता है वाइल्ड कार्ड। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे कितनी अच्छी चीज़ें मिल गई हमें, अलीबाबा एक्सिस की सीक्रेट, ये चेक करना है आपको, ठीक है, वैलिड है नहीं है, और अगर है वैलिड तो रिपोर्ट करना है आपको, ये नहीं कि छुपा के बैठ गए। और ये देखो AWS की एक्सिस की सीक्रेट की हमें मिल गई। तो किसी ने एनवायरनमेंट में क्या होता है, .env फाइल में लोग अपने ID पासवर्ड, मतलब यूज़र नेम और पासवर्ड अधिकतर रखे जाते हैं इसमें। और जैसे मैं बता देता हूँ, JSON, हाँ, config.json, ये भी अच्छी फाइल है, config.json, और आगे कुछ भी हो हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, ठीक एक बार। और जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे आपको ट्राई करते रहना है कीवर्ड डाल के, ठीक है, ये आ गया, ये देख सकते हो, चेक कर लेना ये वैलिड है रिजल्ट या फिर नहीं, गूगल मैप की API की। अब आपको एक दो फाइलें और मैं बता देता हूँ जो चेक करनी है, जैसे कि जिनका एक्सटेंशन हो DB, ये रही देख रहे हो, और जिनके अंदर पासवर्ड भी हो, ठीक है। तो DB है, ठीक है,
पासवर्ड ये देख सकते हो आप, ये क्या है, ये हैश में है और सॉल्टेड हैश है। इसको डिक्रिप्ट करना मुश्किल है, लेकिन अगर आप कर पाए तो काफ़ी अच्छी बात है। तो यही थे तो कुछ कीवर्ड और फिल्टर, देख सकते हैं कितने अच्छे रिजल्ट हमें यहाँ पे मिल रहे हैं। तो आशा है आपको इस वीडियो में कुछ समझ में आया हो, और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जहाँ पे सारे कीवर्ड और फिल्टर मैंने लिख दिए हैं। ठीक है, तो मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।